जो ज्वाइन करने वाले उनको बैठाओ ना ऊपर। एक ही है इसको साइन कर लेना। देखो राइट भाई बढ़िया मालिक वजन कम कर लिया घूम घूम कर करिए। मित्रों नमस्कार। अपने बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी सांसद अपने बीच हैं, पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा जी हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी और डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी पंजाब के सह प्रभारी। मेरा सर्वप्रथम अनुरोध होगा माननीय दुष्यंत गौतम जी से कि आपको संबोधित करें। माननीय दुष्यंत गौतम जी। आदरणीय सम्मानित पत्रकार बंधुओं, हमारे मध्य में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, मेरे साथ में पंजाब के सहयोगी राष्ट्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह रैना जी जो सहप्रभारी हैं, माननीय अश्विनी शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय श्री इकबाल सिंह लालपुरिया जी हमारी मध्य में उपस्थित हैं। परंतु बड़े खुशी की बात है कि आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रव्यापी योजनाएं और विश्वव्यापी सोच जिसमें देश ने विदेश में भी और विदेश में भी अपना एक स्थान प्राप्त किया है, उनकी प्रतिभा को देखते हुए देश को बढ़ते हुए देखकर अनेकों ने इंटेलेक्चुअल मुख्य प्रमुख लोग पंजाब के हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। लगातार परिवार हमारा बढ़ रहा है, यही नहीं बहुत बड़ी सूची हमारे पास में है, जैसे समय आता रहेगा हम उससे आपको अवगत भी कराएंगे। मैं आदरणीय लालपुरा जी से निवेदन करूंगा आप सबका थोड़ा सा माइक से परिचय कराने का कष्ट करें। आदरणीय भाई गजेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय मंत्री, माननीय श्री दुष्यंत गौतम जी, जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी, पंजाब प्रदेश के प्रधान श्री अश्विनी शर्मा जी, भाई नरेंद्र सिंह जी सह प्रभारी पंजाब, और मेरे साथ बैठे पंजाब प्रदेश के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता और पत्रकार बंधुओं, हमें हर्ष हो रहा है के पंजाब से जिन लोगों का नाम है, जिन लोगों ने समाज में अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी देशभक्ति से बहुत बड़ा स्थान बनाया है, वो लोग आज श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में देश को आगे बढ़ता हुआ देख के हमारी इस परिवार में शामिल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में। तो मेरी जिम्मेवारी लगी है कि उनके बारे में मैं आपसे परिचय करूं, तो उनका परिचय आपसे करवाऊं। तो सबसे पहले हमारे साथ आए हैं डॉक्टर जसविंदर सिंह जी ढिल्लन। डॉक्टर जसविंदर सिंह ढिल्लों
फॉर्मर वाइस चांसलर हैं गुरु काशी यूनिवर्सिटी से, खालसा कॉलेज अमृतसर फॉर एजुकेशन के प्रिंसिपल हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ये एग्जामिनर भी हैं और दुनिया में एक एक शिक्षक के सिख शिक्षक के तौर पे ये जाने जाते हैं। और सत श्री अकाल। ये हमारा जो चीफ खालसा दीवान सिखों की धार्मिक जथेबंदी है उसके एजुकेशन जो सोसाइटी है उसके सेक्रेटरी भी हैं, तो इनका पंजाब में बहुत बड़ा नाम है। आज इन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की है, हम इनका स्वागत करते हैं। दूसरे हमारे साथ एडवोकेट हरिंदर सिंह कालो जी हैं। हरिंदर सिंह कालो जी जलंधर में प्रैक्टिस करते हैं। इनकी ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन, वो फेडरेशन जो सिख विद्यार्थियों को एजुकेशन देती थी और उनको तैयार करती थी, बहुत लंबे समय तक ये उसके प्रेसिडेंट रहे हैं। जिंदा कालो साहब का एक लंबा एक्सपीरियंस है सिख पॉलिटिक्स में, तो हम आशा करते हैं कि पंजाब में खुशहाली, पंजाब की तरक्की के लिए ये हमारा सहयोग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। इनके साथ एडवोकेट जगमोहन सिंह सैनी जी हैं पटियाला से, ये सीनियर एडवोकेट हैं, पंजाब के एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं। एक इंटेलेक्चुअल मंच नाम की जथेबंदी है, फार्मर्स इंटेलेक्चुअल मंच, उसके ये स्टेट के प्रेसिडेंट हैं और किसानों की खुशहाली के लिए, खेती की तरक्की के लिए और पंजाब में इंसाफ के लिए इनका एक अपना नाम है। इनके बाद मैं एडवोकेट निर्मल सिंह मोहाली जी का आपसे परिचय कराना चाहता हूं। एडवोकेट साहब मास्टर स्ट्रेटजिस्ट हैं, ये इलेक्शन का प्रबंध पिछले 10 सालों से इनका मास्टरी है इस बात में। एक अच्छे हाई कोर्ट के वकील हैं और फार्मर्स इंटेलेक्चुअल मंच के ये स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ये भी किसान की भलाई के लिए ये बड़े लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। इनका भी हम भारतीय जनता पार्टी में आने पे स्वागत करते हैं। इनके बाद मैं श्री कुलदीप सिंह कालो को आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। सर कुलदीप सिंह कालो ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। आजकल ये श्रोमणि अकाली दल यूथ, इनका अपनी एक संस्था है, राजनीतिक पार्टी है, उसका विलय भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ करने जा रहे हैं। कुलदीप सिंह पंजाब के बुरे दिनों में दोनों कालों बंधुओं ने बहुत बड़ा काम किया है, तो उसके बाद मैं सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हमारे साथी कर्नल जयवंत सिंह जी को आपके सन्मुख करने जा रहा हूं। कर्नल साहब के बारे में मेरे से ज्यादा तो प्रेस के बंधु जानते हैं, ये एएनआई के डायरेक्टर रहे हैं, बहुत बड़ा काम जहां आर्मी में देश की सेवा के लिए इन्होंने किया, जम्मू कश्मीर में किया, पंजाब में किया, और बहुत लंबे समय तक एएनआई जो हमारी न्यूज एजेंसी है उसको रन करते रहे हैं। इन सभी बंधुओं को मैं भारतीय जनता पार्टी में आने का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हम भी पार्टी भी इनकी जो ये भावना लेके आए हैं उस पर खरी उतरेगी, पूरी उतरेगी, और जो इनका एक्सपर्टीज है, जितना काम ये लोग कर सकते हैं मैं समझता हूं उतना करना जारी रखेंगे, जिससे पंजाब मजबूत हो, पंजाब की इकॉनमी मजबूत हो और पंजाब का भाईचारा जो लोगों ने
अफवाहें उड़ा रहे हैं वो इसके आने से और मजबूत हो गया। धन्यवाद। मेरा सादर अनुरोध है माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि आपको संबोधित करें। माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत, आज इस अनूठे अवसर पर मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संसद के सहयोगी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र रैना जी, हम सब के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अश्विनी शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय इकबाल सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी मीडिया प्रकोष्ठ के सह इंचार्ज आदरणीय संजय मयूख जी और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होने वाले आदरणीय एडवोकेट हरिंदर सिंह जी कहलो, एडवोकेट जगमोहन सिंह जी सैनी, एडवोकेट निर्मल सिंह जी मोहाली, श्री कुलदीप सिंह जी कहलो, कर्नल जयबंत सिंह जी, डॉक्टर जसविंदर सिंह जी। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में नए सम्मिलित हुए सभी सदस्यों का बहुत सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं साधुवाद देना चाहता हूं इनको कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इस ऐसे समय में जब हमारा देश एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश एक नया भारत बनाने का संकल्प लेकर के सारा देश जब उठ खड़ा हुआ है, तब पंजाब से ऐसे साथियों ने जो न्याय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों के क्षेत्र में, सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में या समाचार जगत में जिन लोगों ने अपना जीवन दिया और जिनके पास में जीवन का अमूल्य अनुभव है, समाज में जिनकी प्रतिष्ठा है, ऐसे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होना स्वीकार किया है। मैं उन सबका साधुवाद करना चाहता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी हम सब जानते हैं देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीति सरकारों ने केवल और केवल विकास और इस देश को आगे बढ़ाने की नीति के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश और प्रदेशों में काम किया है। कुछ लोगों ने अपने हितों को लेकर के, स्वार्थ को लेकर के समाज को बांटने का षड्यंत्र जिस तरह से देश में विभिन्न प्रदेशों में किया है, मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से पंजाब में जो इस तरह की गतिविधियां पिछले दिनों में हुई है, समाज को बांटने की गतिविधियां पंजाब में पहले हुई, उसके कारण से पंजाब ने बहुत बड़ा दंश झेला, लेकिन वर्तमान में एक बार फिर पंजाब को उसी रास्ते पर ले जाने के प्रयास जिस तरह से किए जा रहे हैं, आज ये जो जिन महानुभावों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना स्वीकार किया है, उन लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा, उन लोगों के अनुभव के चलते इन भ्रांतियों को हम दूर कर पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ताकत बढ़ेगी और निश्चित रूप से हम पंजाब में अपने दल की प्रतिष्ठा और व्याप को और अधिक बढ़ा पाएंगे। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू। चलिए यहीं खड़े हो जाते, सब लोग खड़े हो जाएं। Gracias.